अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबाद की बहुत ही मोस्ट फेमस और रमज़ान में ट्रेंड करने वाली रेसिपी, हैदराबादी मटन हलीम, जो हर मौके पे बनाई जाती लेकिन रमज़ान में ये इफ्तार में ज़रूर हम शामिल करते। बहुत ही आसान तरीक़े से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस हलीम हम बनाएंगे। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले ली 1 किलो गोश्त। मैं आपको 1 किलो गोश्त की हलीम बनाना बताऊंगी। इसके साथ चिकनाई भी हम ले लेंगे और गोश्त ये बगैर हड्डी का है। गोश्त को मैं धो ली, इसको कुकर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और ये 15 हरी मिर्च है, 1 बंच हरा धनिया है, 1/2 बंच पुदीना है। इसको मैं धो के रख ली, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसका पेस्ट बना ली। देखिए ये हरे मसाले का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको हम गोश्त में डाल देंगे और जो मसाले लगे हुए हैं जार से वो बाद में धो के डाल दूंगी मैं। ये 1 टेबल स्पून माश की दाल है, 1 टेबल स्पून चने की दाल है। इसको मैं 1 घंटा पहले भिगा के रख ली थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और माश और चना 1 टेबल स्पून ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो हलीम का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो हम जब घर में बनाते तो कम इसका इस्तेमाल करना है। जो कमर्शियल बेस पर बनाते वो लोग ज़्यादा यूज़ करते। मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया, अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा लगता। 1.5 टेबल स्पून ये गरम मसाला पाउडर है, आप चाहे तो साबित गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते। ये 1/4 टीस्पून कबाब चीनी पाउडर है, ये भी आप चाहे तो साबित कबाब चीनी डाल सकते, लेकिन मैं इसमें पाउडर इसलिए डाल रही कि ये खाते वक्त चबाने में आ जाते तो जायका चेंज हो जाता। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दी काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून है ये सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर 2 टीस्पून मैं इसमें डाल दे रही, नमक। नमक हम बाद में भी देख के टेस्ट करके डाल सकते। देखिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम है इसके और बहुत मज़ेदार हलीम हमारी बन के रेडी हो जाती। अब मैं इसमें ऐड कर दी 1 लीटर पानी, जिससे हमारा गोश्त अच्छा गल जाए। मैं इसको 40 मिनट्स तक गलने के लिए रख दी गोश्त को। गोश्त बहुत ही अच्छे से गल जाना चाहिए। देखिए 40 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। ये गोश्त बहुत गर्म है इसलिए मैं आपको तोड़ कर नहीं दिखा रही। इसके लिए मैं ले ली 250 ग्राम ये ओट्स है। आप ओट्स की जगह हलीम का रवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये ओट्स था तो मैं इसके ही बना रही। और 1 किलो गोश्त के लिए आप 250 ग्राम या 200 ग्राम रवा, हलीम का रवा या ओट्स इस्तेमाल कीजिए। इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो इसमें रेशा नहीं आता और अच्छी मज़ेदार नहीं बनती। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी और इसको हम ढक्कन लगा के 2 सीटी होने तक गला लेंगे। 2 से ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, नहीं तो ये ओट्स नीचे बैठ जाते और दाग आ जाता है। देखिए 2 सीटी के बाद मैं आपको दिखा रही, ओट्स भी अच्छे से गल गए। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैं इसको अलग अलग बर्तन में ठंडा करने के लिए निकाल दी, क्योंकि गर्मा है तो मुझे थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैं इसको फ़ैन के नीचे ठंडा कर ली। अब हम एक बर्तन में ले लेंगे ऑयल। मैं करीब 1/2 कप ऑयल इसमें ले ली और ये थोड़े से काजू हैं 20 से 25, यह हम इसमें फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करना है काजू को, ये ऑप्शनल है। जब हम गार्निश करते तो गार्निशिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे थोड़ा जायका भी अच्छा आता है। देखिए हमारे काजू फ्राई हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए। तो अब मैं काजू को निकाल ले रही। उसी तेल में हम डाल देंगे प्याज। मैं ये 3 दरमियानी प्याज है, इसको बारीक इस तरह से चॉप कर ली। जिस तरह हम बिरयानी की प्याज फ्राई करते गोल्डन ब्राउन, उसी तरह से ये प्याज को फ्राई करना है। जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है, देखिए ये हलीम का मिक्सचर ठंडा हो गया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैं इसको बैचेस में ग्राइंड कर रही क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ हमारी प्याज
गोल्डन ब्राउन होने को है, गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और खोल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। खोल के रखने से ये बहुत ही अच्छी क्रिस्प हो जाती। देखिए परफेक्ट गोल्डन ब्राउन है, इस तरह का कलर रहना प्याज का। इसको मैं ठंडा कर ले रही और ये हमारी जो मिक्सचर था मैं पूरा मिक्सचर ग्राइंड करके रख ली। उसी तेल में हम डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। देखिए इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अगर आपका तेल ये ज़्यादा है तो आप इसको निकाल लीजिए, और ऊपर से डालने के लिए काम आता ये तेल। हलीम में ऊपर से हम डाल सकते, जो हम ग्राइंड करके रखे मिक्सचर वो हम इसमें डाल देंगे और इसको पकाएंगे। जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता, जब तक ये पकना शुरू नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाना है। ये गल तो पहले गया था लेकिन थोड़ा पकना है इसको बाकी है। देखिए इस तरह से मैं इसको पका रही। और ये है 2 नींबू, ये मीडियम साइज़ के नींबू है। इसका रस हम निकाल लेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देना है। और ये झटपट बनके रेडी हो जाती। देखिए आप इसका रेशा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रेशेदार हलीम हमारी बनके रेडी है। इसमें मैं ऐड कर रही 2 टेबल स्पून घी। घी का आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जो प्याज फ्राई करे थे वो तेल मैं निकाल ली थी, तो वो तेल मैं ऊपर से ऐड कर देती, इसलिए इसमें उसका भी अच्छा फ्लेवर आता। इसलिए घी थोड़ा कम ऐड की मैं। और इस स्टेज पे हम डाल देंगे 1/2 टी स्पून नमक और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए बहुत ही रेशेदार मज़ेदार हलीम हमारी बन के रेडी हो गई। आप देख सकते हैं इसका रेशा, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रेशा आया और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। चलिए आपको मैं डिश आउट करके दिखाती। आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए इस रमज़ान में। ऊपर से हम हरा धनिया और पुदीने से गार्निश कर लेंगे। और जो प्याज हम फ्राई करके रखे थे वो प्याज भी हम इस पे से डाल देंगे, और काजू भी हम ऊपर से डाल देंगे। आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।